अच्छे तो होंगे ही, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों से मैं एंजाइटी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, फिर भी मैं रेगुलरली अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ जैसे भी हो। छोड़िए, मैं भी क्या आपके सामने अपनी राम कथा स्टार्ट कर दी, आप भी बोलेंगे ये तो आके रोना रोने लगी। चलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। वैसे तो मैं बंगाली हूँ और बंगाल में बहुत सारी चीजें फेमस होती है, जैसे बंगाल का रसगुल्ला, वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ का दुर्गा पूजा, वहाँ की जो कल्चर होती है बहुत ही अलग होती है। तो उसी से रिलेटेड एक चीज और फेमस है, पाखा। हाँ, पाखा एक हैंडमेड पंखा होता है जिसे पेड़ की पत्ती से बनाया जाता है, वो ताल के पेड़ से बनाया जाता है। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने अपना एक ब्लाउज डिजाइन किया है, तो चलिए मैं आपको अपना ब्लाउज का डिजाइन दिखाती हूँ। तो ये रहा ब्लाउज, ये पिंक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है। इसमें मैंने पाखा स्टाइल मतलब पंखा के स्टाइल से मैंने यहाँ पे नेक डिजाइन की है। इस नेक को मैंने सिंपल राउंड शेप ही रखा है और राइट हैंड साइड गोल्डन कलर से इसे डिजाइन किया है, ठीक है, और मिरर को अटैच किया है, ठीक है। और नीचे में मैंने इस तरीके से हैंगिंग लगाए हैं ग्रीन कलर से, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है, तो मैंने इसी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे इसे अटैच करके लगाया है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो हो गया इसकी डिजाइनिंग, और इसको कैसे हम स्टिच करें, दिखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इसको आसानी से हम स्टिच कर सकते हैं और इस तरीके का डिजाइनर ब्लाउज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ब्लाउजेस ऑनलाइन बहुत ही महंगे और कॉस्टली मिलते हैं, तो आप इसको अपने घर में वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और हाँ, शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे डिजाइन कैसे लगते हैं। मैंने पहले से ही अपना ब्लाउज रेडी कर लिया था, सर्कल शेप वाला ब्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुकरम लूंगी, इसे डबल फोल्ड करके ऐसे हाफ सर्कल कट कर लूंगी, इस तरीके से पूरा सर्कल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं गोल्डन कलर के फैब्रिक में इसे पेस्ट कर दूंगी और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं कट कर दूंगी। अब इसे बीच से फोल्ड करके कट कर दूंगी, इस तरीके से मैं दो क्या लूंगी पट्टी लूंगी, दो दो इंच की, इस तरीके से हाफ फोल्ड करके मैं स्टिचिंग लगा दूंगी। देखिए, अब पैटर्न के कॉर्नर से मैं यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट डालते हुए डिजाइन बनाऊंगी। सिर्फ आप इस सर्कल शेप में ही इस कपड़े को ज्वाइंट कर लीजिए, इस तरीके से दूसरा पैटर्न भी रेडी कर लीजिए। अब इसके बाद मैं ब्लाउज में ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ पे मैं दो पाखा लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने दो बार यहाँ पे निशान लगा लिया। अब ब्लाउज को अच्छे से खोल लेंगे और थोड़ा सा ऊपर की ओर लेते हुए सिंपली स्टिच कर दूंगी, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बना लिया है जैसे पाखा में होता है, तो मैंने इस तरीके से चौक की मदद से पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब उसी के ऊपर मैं पिंक कलर के सिंपल धागे से स्टिचिंग करते जाऊंगी। अब मैं इसमें लेस अटैच करूंगी, पहले मैं सर्कल जगह पे लेस को अटैच करूंगी, इस गोल्डन कलर के लेस को, फिर कट करके इसे डबल स्टिचिंग कर दूंगी, इस तरीके से। अब मैं इसका हैंडल भी इस लेस की मदद से बनाऊंगी। देखिए, लेस को हम ऊपर से जहां पे मैंने इसमें चुन्नट डाला था वहां से लेते हुए इस तरीके से ज्वाइन करूंगी। तो लीजिए, थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इसे सिलते जाएंगे और एक्स्ट्रा लेके ऐसे घुमा देंगे और घुमाते हुए दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। एक पाखा मैंने रेडी कर लिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा पाखा भी इस तरीके से उल्टा रख के जस्ट इसके अपोजिट साइड मैंने उल्टा रखा और थोड़ा सा फोल्ड करके इसे कर दूंगी। मैंने पिंक धागे से ही इसे स्टिच किया है। अब देखिए, मैंने चौक से कैसे पैटर्न बनाया, बीच से सेंटर से पहले डिजाइन किया, फिर उसके बाद उसके साइड से हाफ हाफ पार्ट करते हुए मैंने मार्क लगा दिया। अब मैं इसमें सेम वही
पिंक कलर के धागे को लेते हुए इसमें लाइन ड्रॉ कर दूंगी। देखिए सिंपल है इसे बनाना ऐसे। अब इसमें भी मैं लेस को अटैच कर दूंगी। पहले हम सर्कल के तरफ लेस को लगाएंगे, फिर इसके बाद इसका हैंडल प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ब्लाउज को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपकी जो सिलाई है वो ब्लाउज के जो हमारी मार्जिन रहती है उसमें स्टिचिंग ना हो जाए, ये जरूर ध्यान रखिए। अब डबल स्टिचिंग भी कर देते हैं। तो लीजिए मैंने अपना ये पाखा रेडी कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा और डिजाइन करूंगी। इसके लिए मैं लूंगी छोटे छोटे सर्कल मिरर्स और इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे मैं चिपका दूंगी इसके अंदर में। देखिए इस तरीके से ग्लू को लगा दीजिए और छोटे छोटे मिरर को यहाँ पे चिपका दीजिए। अब मैं इसके हैंडल के नीचे भी चिपका दूंगी और ऊपर भी चिपका दूंगी मिरर को। अब इसे थोड़े देर सूखने देते हैं। सूखने के बाद हम हैंडल में क्या लगाएंगे, जैसे ओरिजिनल पाखा में लगा होता है लटकन स्टाइल, उस तरीके से मैंने यहाँ पे मोती डाल के, तीन मोती डाल के कम से कम इंच लंबी मैंने ग्रीन कलर की डोली धागा ली है और इस तरीके से बांधने की स्टाइल रख के 2 इंच इस तरीके से लूज रखा है। फिर गोल्डन मैंने मोती डाला है, फिर ग्रीन कलर का मोती डाला है, फिर उसके बाद गोल्डन कलर का मोती डाला है और हम इसमें एक नॉट लगा देंगे। नॉट ऐसे लगाएंगे जैसे थोड़ा सा लटका हो, एकदम कॉर्नर में नॉट नहीं लगाएंगे। ये टसल की जैसा दिखाई देगा और सारी मोतियों को नीचे कर दीजिए। लीजिए मेरा ये ब्लाउज रेडी है। तो दोस्तों बताइए ये ब्लाउज आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे जरूर बनाइएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें।